शॉप्स पे जाएंगे जिसके और मैं आप लोगों को वहाँ पहुँच के बताऊँगी कि मतलब कैसा कौन से स्टॉल का या शॉप का चाय का टेस्ट कैसा है, तो जिससे आप अपने टेस्ट के हिसाब से वो चाय स्टॉल पे विजिट कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Thank you.
जस्ट सामने आपको मिल जाएगा। तो ये देखो ये पीछे जो बोर्ड दिख रहा है वही है। और ये वाला चाय एकदम घर वाले चाय जैसा लग रहा है, जैसे मम्मी बनाती है हमारी, वैसा सेम चाय है। टेस्ट ऐसा स्वीट है, अच्छा खासा स्वीट है। तो आप यहाँ आ सकते हो, घर की चाय की याद दिलाएगी ये वाली चाय। जैसे वो कुल्हड़ चाय वगैरह सब बाहर मिलती है, वैसा बाहर ही मिलता है, वैसा घर पे ज़्यादा बन नहीं पड़ता। तो ये वाला एकदम घर जैसा चाय लग रहा है, तो यहाँ आके ये चाय ज़रूर पीना। तो अभी जहाँ भी हमने पिया है चाय, वो 10 रुपया 30 रुपया ऐसे ही रेट थे। तो ये वाला चाय आपको 7 रुपये मिल जाएगा, जो मैंने बोला घर की चाय जैसी है। तो आप यहाँ आके पी सकते हो ये 7 रुपये में चाय। तो हम जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ
आप फिर आ गए यहाँ पर, तभी बंद था अब ये चालू हो गया है, तो चलो आप यहाँ का चाय पियेंगे। यहाँ का टेस्ट तो मुझे हमेशा से पता रहेगा क्योंकि मैं हमेशा यही चाय पीती हूँ। भैया ने मुझे चाय दे दिया है, तो देखो कितना मस्त भर के दिया है, ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। यहाँ का चाय पी के पता नहीं मैं इतने खुश हो जाती हूँ ना हमेशा। आप लोग ने मेरे हर वीडियो में देखा था, मैं अशोक भाई बोलती हूँ, वो यही चाय है। और ये जो है वो अशोक भाई के भाई है। अशोक भाई दिन में थे जो वीडियो में दिखाया, वो सेम दिखते हैं वैसे तो सेम। अशोक भाई जो दिन में अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया वो अशोक भाई थे, अभी ये उनके भाई आ गए। तो चलो फिर ये चाय टेस्ट करते हैं। ऐसा चाय चाहिए हमेशा, मजा आता है। बहुत अच्छा चाय है। तो ये वाला भी जो चाय है वो 10 रुपए का ही है, तो आप यहाँ आके पी सकते हो। और इसका लोकेशन सबसे बेस्ट है, गणपति मंदिर के यहाँ ही है। देखो ये जो है वो गणपति मंदिर है और यहाँ ये चाय है, तो आप आ सकते हो यहाँ पर। और यहाँ बैंक उज्जवल, कौन सा बैंक है? उज्जवल बैंक है, बैंक के नीचे ही है ये वाला, तो आप यहाँ आके पी सकते हो। और हम यहाँ पे बैठते हैं और हम यहाँ बैठ के ये चाय पीते हैं, और ये बैंक वाले हमें भगाते हैं हमेशा। तो यहाँ हम सब लोग हमेशा चाय पीने आते हैं फ्रेंड्स लोग। अगर आप शाम को यहाँ पर दिखोगे ना तो बहुत गर्दी रहती है यहाँ पर, क्योंकि सब लोग जो भी मिलते हैं इनका मीटिंग पॉइंट अब यही बन गया है, अशोक भाई के चाय के इधर मिलो। तो ये है वो चाय स्टॉल। तो अदि टी ने टी पूरा मतलब टेस्ट कर लिया है डोंबिवली का। मतलब मैंने मोस्टली स्टेशन साइड का ही लिया है, क्योंकि कोई भी विजिट करेगा तो उनको लोकेशन ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब आसपास में ही है स्टेशन के, तो आप लोग कर सकते हो वो ट्राई। तो 5 टी स्टॉल्स टी शॉप्स मैंने कवर किए हैं, जिसके रेटिंग्स अभी आपको नेक्स्ट आगे ये जो मैं वीडियो बोल रही हूँ उसके बाद आपको रेटिंग्स दूंगी, 4, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो उस हिसाब से आप चाय पीने जा सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। तो पक्का आना चाय पीने। और अदि टी ने ये चाय का ये बनाना मस्त था, क्योंकि अदि टी चैनल का नाम है और चाय ही नहीं दिखाऊँ मैं तो कैसे चलेगा। तो चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमेशा मुस्कुराते रहो और चाय पीते रहो। तो चलो ये सब जो वीडियो शूट हुआ है उसके पीछे कौन कौन है मैं दिखाती हूँ। ये हमारे कैमरा मैन आज के विराट गुप्ता, विराट फोटोग्राफी आप इंस्टा पे देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। इनका बिजनेस भी है फ्रेम्स का, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको फ्रेम किसी को गिफ्ट करना है तो आप कर सकते हो। और ये है सर्वेश जो आज मुझे कंपनी देने आया है, ये रहता खारघर में पर डोंबिवली में आया है, ये मेरा ट्विंस है वैसे। हाँ 31st अक्टूबर एक घंटा बड़ा है मेरे से बस। तो चलो बहुत मजा आया, बहुत थैंक यू विराट। Thank you. Bye. Bye.